हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो में देख लीजिए। गैस स्टोव का ऊपर स्टैंड आता ना, ऐसा स्टैंड को हमें दो तरीके से क्लीन करके दिखाऊंगा। दो टिप्स समझ लीजिए, दो टिप्स क्या करते देख लीजिए। ज़्यादा हार्ड मार्क्स आप नहीं क्लीन करते, जिससे भी मैं क्लीन करके दिखाता हूँ। देख लीजिए, नॉर्मल से कोई तो डस्ट आता ना सिंपल से, उसको कैसे क्लीन करना है आपको, वो तरीका भी आपको दिखाता हूँ। ऐसे गैस स्टोव रिपेयर के बहुत सारे वीडियो मैं करके हूँ, आप होना का तो मैं चैनल चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लिंक भी होना का। तो ओके दोस्तों, इसे कैसे क्लीन करना आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, गैस स्टोव के ऊपर स्टैंड है ना, ये स्टैंड देख लीजिए कितना गंदा हुआ कि। दोस्तों देख लीजिए, ऐसे नॉर्मल से आपको डस्ट होता था, ये कैसा होता है, दूध उबल जाने से, नहीं खाना उबल जाने से, कोई तो भी ऐसा डस्ट आता था। ये नॉर्मल से डस्ट ही आता, आपको क्लीन करने का आपको सिंपल तरीका दिखाता हूँ, वैसे क्लीन कर लेना। ज़्यादा हार्ड मार्क्स, ज़्यादा रफन ना देना, ज़्यादा जल्दी से नहीं जाते, कितना भी कोशिश कर ले आप ये क्लीन नहीं होते। वैसे से मैं आसान से क्लीन करने का तरीका दिखाता हूँ, देख लीजिए कैसे क्लीन करना की। आपको पहला तरीका क्या करता है देख लीजिए, ऊपर है ना ये डस्ट है ना, थोड़ा सा ये डस्ट को क्लीन करने के लिए आपको आसान तरीका दिखा दूँ मैं। देख लीजिए दूसरा साइड हम अंदर साइड है ना, ये अंदर साइड ज़्यादा हार्ड मार्क्स है, ज़्यादा डस्ट है, इसको क्लीन करने का और एक तरीका दिखाता हूँ। पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे सिंपल तरीके से। एक छोटी कटोरी ले लेना आप, बाद में आकर विम जेल लिक्विड ले लेना, विम जेल का इसको थोड़ा कटोरी में डाल लेना। उसके बाद आप व्हाइट विनीगर ले लेना, 30 रुपये बाटल है विनीगर, व्हाइट विनीगर। ढक्कन ले लेंगे छोटा एक स्मॉल ढक्कन से, थोड़ा लिक्विड। दोस्तों बाद में हमें बेकिंग सोडा है ना, इडली चीले में डाल देना, खाने का सोडा, एक खाने का छोड़ा, एक स्पून दो स्पून डाल सकते हैं आपको डस्ट पकड़ को। ऐसा आप एक चम्मच डाल लेना होना का, तो ये लिक्विड को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। ऐसे लिक्विड बना के आप क्या करते हो, तो गैस स्टोव के ऊपर ऑयल मार्क्स, दूसरे हार्ड मार्क्स, कोई मार्क्स तो भी हंदे, कोई भी हंदे, आसान से क्लीन हो जाता। देख लीजिए पहले हम क्या करते हो, तो इसको डस्ट हो जाएगा, ऐसे अप्लाई कर लेना ऊपर ऐसे अप्लाई करके छोड़ देना। एक 10 मिनट 15 मिनट छोड़ देने के बाद इसको स्क्रबर से इतना कमी करना रहा, कमी ना से क्लीन करता, आसान से क्लीन हो जाता। गैस स्टोव हंदे कोई सा भी हंदे, आसान से छोटे छोटे डस्टन ज़्यादा हाथ देना, उसे पूरे इजी से क्लीन हो जाते। आपको ज़रा थोड़ा फावर ज़्यादा होने का, तो इसमें डायरेक्ट नींबू भी डाल लेना आप, नींबू का रस अच्छा क्लीन करेगा ये। ऐसे डस्ट है ना, ऐसे डस्ट है जगह अच्छे से अप्लाई कर देना, अप्लाई करके इसको 15 मिनट छोड़ देना, 15-20 मिनट भी छोड़ देना, बाद में क्लीन करना, आसान से क्लीन हो जाएगा ऊपर का डस्ट पूरा। आप यही तरीका जो आप गैस स्टोव में किधर भी ज़्यादा डस्ट ज़्यादा है तो ऐसे क्लीन करना, बहुत ईजी से क्लीन होता है, 100% मैं क्लीन करके हूँ मैं, होना का तो मेरे चैनल में चेक कर लेना। दोस्तों अप्लाई करके 10 मिनट हो गया, मैं इसको क्लीन करके दिखा देता हूँ मैं कितना क्लीन आता है कि। आप क्लीन करने के लिए एक स्क्रबर ले लेना कमी नारा, देख लीजिए क्लीन करता हूँ। दोस्तों इसको क्लीन कर दिए मैं, आपको वाटर वॉश करके दिखा दूँ मैं कितना क्लीन होगी। देख लीजिए दोस्तों, ऐसा आसान से क्लीन कर सकते हैं, ऐसा नहीं जैसा बना सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हार्ड मार्क्स ही है, इसको क्लीन करेंगे वो देखें ना, ऐसा नहीं जैसा बन जाता आपका स्टोव भी क्लीन करे तो। दोस्तों इसे क्लीन करने के लिए आप क्या करते हो, तो पहले हमें इसको ऊपर पानी है ना, पानी पूरा क्लीन कर देना, पानी है तो नहीं काम करेगा, पानी पूरा आप पोंछ देना, निकाल देना पानी पूरा, जब काम करेगा ये ट्रिक। दोस्तों देख लीजिए, इसको क्लीन करने के लिए हमें एसिड यूज़ करेंगे, एसिड आकर ये नॉर्मल एसिड नहीं है, स्मोकलेस एसिड है, ये स्मोकलेस एसिड में घाट कम होता है, पावर पूरा मामूली होता है। आप नॉर्मल एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये ऑनलाइन में अभी आया नहीं प्रोडक्ट, आए तो बाद में लिंक दे देता हूँ आपको, देख लीजिए इसे कैसे यूज़ करके कैसे क्लीन करना है आपको दिखाता हूँ आसान से। एसिड बॉटल के आपको स्प्रे का ढक्कन आता ना, इसको फिटअप कर लेना, आसान से रहता आपको स्प्रे करने के लिए, नहीं करता आपको हाथ को पड़ने का प्रॉब्लम होता। दोस्तों ऐसा एसिड यूज़ करते ना आप क्या करते हो, तो हाथ को ग्लोव डाल लेना आपको सेफ्टी के लिए, आप मास्क भी पहन लेना, थोड़ा स्मेल रहेगा। ये नॉर्मल एक घाट कम है, स्मेल मेरा कम होता है, इसको लिए मैं क्या भी नहीं पहनता है, आप होना का तो सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कोई तो भी एक स्टैंड ले लीजिए ऐसा, उसको ऊपर रखने के लिए ऐसा। देख लो दोस्तों इसको स्प्रे करेंगे अब हमें, ये स्टैंड को हम देख लीजिए कितना हार्ड मार्क्स, कितना काला, कितना गंदगी है कि ऐसा जंग पकड़ता होता, ऐसा प्रॉब्लम होता। देख लीजिए इसको क्लीन करने के लिए आसान तरीका दिखाते हैं, देख लीजिए आप कोई तो एसिड ले लेना, स्मोकलेस एसिड कोई तो भी ले लेना। देख लीजिए पहले हमें इसको क्या करते होता, ऐसा स्प्रे थोड़ा कर लेना, ऐसे स्प्रे करने के बाद देख लीजिए इसको हमें क्लीन करने का तरीका दिखाता हूँ। इधर मैं क्लीन करा, क्लीन होया थोड़ा, अभी क्लीन करा, आपको कैसे क्लीन करा दिखाते हैं। देख लीजिए क्लीन करने के लिए हमें बेकिंग सोडा यूज़ करना, ये चीले इडली में डाल देना, खाने का सोडा ये, इसको हमें यूज़ करना क्लीन करने के लिए, अच्छे से क्लीन होता। देख लीजिए ऐसा जो जो जगह हम ना डस्ट ज़्यादा है कि उधर आप क्या करते हो, बेकिंग सोडा है ना चीले का सोडा, इसको थोड़ा आप डाल लेना, छिनक लेना, ऐसे छिनक ले तो क्या होता, तो ये डस्ट पूरा आसान से क्लीन कर देगा। कैसे क्लीन करता दिखाता हूँ आपको मैं। देख लीजिए ऐसा बेकिंग सोडा डालने के बाद आप क्या करते हो, तो थोड़ा एसिड स्प्रे कर लेना, ऐसा ऐसे स्प्रे कर लेते क्या होता है, तो
ज़्यादा ये कफ के नाद आता, वाइट कफ के नाद, ऐसे कफ आपको जाएगा, ज़्यादा डस्ट आता ना पूरा इसको खा लेता, आसान से क्लीन हो जाता। देख दिखा मैं आपको, ऐसा आपको पूरा स्प्रे कर लेना, ऐसा ज़्यादा बुड़गड़े बुलबुले ऐसा आता एसिड, 10 मिनट ऐसा एसिड में भिगो लेना। सो अच्छा थोड़ा एसिड स्प्रे कर लेगा, उसमें बेकिंग सोडा डालकर ऐसा 10 मिनट छोड़ने के बाद आसान से क्लीन हो जाता। देख लीजिए 10 मिनट हो गया, अब हमें ब्रश से हम थोड़ा क्लीन करेंगे, देख लीजिए कैसा कैसा क्लीन होता है कि दोस्तों। देख लीजिए ऐसा हमें ब्रश से रफ करते हैं तो देख लीजिए बुरगू काला आ रहा है, देख लीजिए ऐसा काला आ रहा है तो पूरा डस्ट पूरा निकल जा रहा है। ऐसा आप ब्रश से ऐसा वॉश करते रहना, ऐसा करते हैं तो देख लीजिए पूरा ऊपर का डस्ट काला काला ऐसा जो जो है मट्टी पूरा हार्ड मार्क्स पूरा पूरा ईजी से निकल जाएगा। ऐसा आप ईजी से क्लीन कर सकते हैं। ऐसा हमें रफ करते हैं तो काला काला जो मिट्टी की इतना सोव है ना सोव निकल गया, देख लीजिए आपको साइड में हटा के दिखा दूँ मैं, पूरा क्लीन हो जाता है। आपको मैं पूरा क्लीन करके दिखा देता हूँ एक बार में, अच्छे से क्लीन हो गया, आसान से क्लीन हो गया। अभी थोड़ा बचा है, ये ट्रिक का आपको और एक बार भी क्लीन करना, ऐसा चाहो थोड़े एसिड स्प्रे करके बेकिंग सोडा डालकर आपको ऐसा क्लीन करना। अभी और एक बार मैं क्लीन करके दिखाता हूँ आपको कैसे क्लीन आता है कि दोस्तों। ऐसा पूरा आप राउंड से आप बेकिंग सोडा डाल लेना, पहले डालने के बाद देख लीजिए एसिड है ना थोड़ा स्प्रे कर लेना, ऐसे डाल ले तो ईजी से आप क्या करते हो तो अंदर का पूरा वो डस्ट पूरा खा लेता। इसको 10 मिनट छोड़ देना, ऐसा डाल के डाल देखो 10 मिनट भिगने रखे बाद बेकिंग सोडा एसिड डाल को, देख लीजिए इसको थोड़ा ब्रश से आप रफ करना। ऐसा रफ करने के बाद क्या होता है तो ऐसा ज़्यादा डस्ट काला है ऐसा पूरा निकल जाता, ऐसा करते रहना। देख लीजिए ये पूरा हमें क्लीन करने के लिए 1-5 मिनट पकड़ेगा, मैं क्लीन करके लास्ट में आपको दिखाता हूँ कितना क्लीन हुआ कि ओके। ऐसा हमें वॉश करने के बाद क्लीन हो गया, ऐसा ब्लैक ब्लैक है ना पूरा पूरा डस्ट पूरा आ गया, ऐसे ईजी से क्लीन कर लेना। इसको हमें क्लीन करके दिखा देता हूँ कैसा है कि आपको। दोस्तों ये बिफोर वीडियो देख लीजिए कितना डस्ट है कि कितना हार्ड मार्क्स है कि, इसको क्लीन करके मैं आफ्टर वीडियो में दिखाता हूँ, देख लीजिए आप ये बिफोर वीडियो आफ्टर वीडियो देख लीजिए। देख लीजिए दोस्तों ऐसा आसान से क्लीन कर सकते हैं, कभी तक आपको ज़्यादा हार्ड मार्क्स डस्ट या तो दो तरीके से दिखे ना, दो तरीके में कोसा भी यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए ऐसा ज़्यादा डस्ट या तो और एक बार भी ट्राई करना, आपको बेकिंग सोडा एसिड डाल के क्लीन हो जाता ओके। नहीं कहते आप क्या करते कहते ये ऐसा छोड़ दीजिए, आप क्या करते तो कभी तो ये आपको बर्तन लगते थे ना बोके वैसा, जब क्या करते कहते इसको भी थोड़ा क्लीन करते रहना वारम में एक बार, ऐसा क्लीन करते हैं तो ये डस्ट हल्लू चले जाता ओके। थोड़ी देर क्या करते कहते इसको क्लीन करना छोड़ देते, ऐसा छोड़ देने के बाद क्या होता कहते ज़्यादा डस्ट जमा होगा, ऐसा हार्ट मार्क्स ज़्यादा हो जाते, वो प्रॉब्लम हो जाता। वो प्रॉब्लम आना नहीं कहते जब जब आप बर्तन में धोए टम्पो इसको क्लीन करते रहना, आसान से ये डस्ट भी चले जाता ओके। देखे ना दोस्तों ऐसा बहुत ईजी से क्लीन कर सकते हैं आप, बहुत ही ग्रेटेड इसमें करता रहता हूँ गैस स्टोव के जितने भी बहुत रिपेयर करूँ मैं, होना तो मैं चैनल चेक कर लेना ओके। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, देखते रहिए ऐसे ग्रेटेड इसमें। और एक बार मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।